एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन है। तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्हानों केड़ा हंस आवे, अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड का, और हम फिर भी यहाँ फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से, ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की, आप ना सोचोगे क्यों से मैं बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी या सत्संग सुनने का दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिला है, और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं, बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लग गया। तो पुण्यात्मा, हमने अपने सिर पर आप पर वजन गणा रख लिया है, सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कतिबंद करना पड़ेगा, फिर हम कोठियां बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है, जिसके पास दो पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करे, तो उसमें हमें भक्ति में ज़्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्यौहार वगैरह तुम जो मनाते हो ये नहीं मनाना। कैसे, अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कोई भी त्यौहार आता है वो फॉर्मेलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहाड़ी गुलगुले, ये पहुँचाने पहुँचाने, वो नून तो लेकर चल पड़े, वह नून तो लेकर चल पड़े, और वो कपड़े नए पड़े रहे कोई पहनता नहीं, क्या फ़ायदा हुआ। एक बच्चा होता है, चार बुआ है उसके, चारों लाऊंगी जुगले छः छः, और छः महीना पाछ वो बच्चा बड़ा हो जाओ पहन जो गिर रहे कोई ना, वह वही की तो फूकने पड़े, क्या फ़ायदा इन बकवादों का। तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझकर फिर इनसे उल्टा हटना है, और ज्ञान बिना तो हम फिर देख हम देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने, हम बालक नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहाँ का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते। तब उन्होंने कहा कि साध मिलने साढ़े साधी होंगी, और बिछड़ दया दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे, साध मिलें साढ़े साधी होंगी, भक्तों से हमारा मिलन होता है, मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य हैं ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय, तो हमारे एक विशेष खुशी होती है, हमारे या शादी है, ये विवाह है हमारा, आत्मा का विवाह परमात्मा से होता है। कहते साध मिलें साढ़े साधी होंगी, और विछड़ दें दिलगिरी वे, जब ये यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी छा जाती है। क्यों छा जाती है, कि ये बच्चे परमात्मा के हंस इस ज्ञान से कुछ परिचित हुए हैं,
और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हैं, और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिशा ना बदल लें, ये नाम से वंचित ना हो जाए। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी फसल में कीड़ा नहीं लगा। तो कहते हैं साध मिले सड साधी होंदी और बिछुड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना या मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति बहुत मुश्किल बना दी इन अज्ञानी संतों और महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को, तत्व ज्ञान रहा नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचा नहीं, लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंत कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं। तो पुण्यात्माओं, अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला। कबीर साहब कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान, और बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको उपदेश मिल गया आपका वो जीवन मनुष्य का, उस दिन से जन्म समझ लेना, उससे पहले आपका मनुष्य जीवन नहीं था लेकिन शरीर बेसिक मनुष्य का था। जा दिन सतगुरु भेंटिए सो दिन लेख जान, बाकी समय व्यर्थ गया तेरा बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कृपा से आपको ये सत्संग मिला है, तो सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी, और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाक गए हैं, गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लग गए, आप भी होने लग गए। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया? इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं, अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े पड़े जड़ें, जंग लग जाए इनके अंदर, भगवान के रैम को बुला दिया। भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को, और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब भाई। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर टेलीविज़न, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है कि दे किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दे ये ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर कि ये बनवाया है, और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहाँ दिखाता, आप वहाँ बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। मालिक को मालूम था, क्योंकि काल ने कहा था, परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना की थी चापलूसी करके के 3 युगों में जीव कम ले जाना, और 4th युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम गमन संसार ही कीजे। परमात्मा के चरण पकड़ के वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव वापस कम ले जाना, और 4th युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। फिर वैसे कितने ले जिए 4th युग में? तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ और 4th युग कलयुग में जीव ले जाऊंगा। तब एकदम जब देख लिया ना वचनबद्ध हो गए, उसी समय आंखें पलट ली भस्मासुर की तरह, और कहने लगा बेशक कलयुग में तुम आ जाना, कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को कि ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे, इनके इतने मलिन आत्मा कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद और ये तीर्थों पर, इनके ऊपर धामों के ऊपर आश्रित कर दूंगा,
और देवी देवताओं की पूजा पर इनको आरूढ़ कर दूंगा, आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और आ जाना। बेशक कहा था जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे उल्टे पाठ पढ़वा दूंगा अपने नकली दूत भेज के तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बच्चे वाद विवाद क्या करेंगे मेरी और मेरा पक्ष में हो करके, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उसमें वो क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि इस कलयुग में वो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। वो लीला करके चले गए जो भगवान किया करता है। अब उस भगवान के पहचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है। यदि 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते तो हम कैसे पहचानते परमात्मा कौन है? भगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रत्येक युग में ऐसी ही करते हैं, और उन लीलाओं का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में मिलता है। पवित्र चारों वेदों में परमेश्वर की वो महिमा का गुणगान है जो भगवान किया करता है। तो वो लीलाएँ किसने की? वो 600 वर्ष पहले बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के इस पावन धरती पर आए थे। जुल्हा रूप में, धारणक रूप में रहे थे 120 वर्ष वो कबीर परमात्मा। उन्होंने वो लीलाएं की हैं जो वेदों में प्रमाण है जिनका। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। परमात्मा कौन है? कबीर साहब परमात्मा है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही भेद यानी मेरी महिमा का गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन इन चार वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती, अमरलोक प्राप्ति नहीं हो सकती। इनमें पूजा की विधि नहीं है वो जो सतलोक जा सकें हम। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं प्रत्येक युग में और अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा मिले सतलोक लेकर गए, उनको फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बना कर छोड़ा, तो उन्होंने आँखों देखा भगवान का, वो वर्णन किया, उनकी महिमा को बताया। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने यही गुणगान किए, आँखों देखा मेरे को, और मैंने भी आकर के ऊंचे ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़े हो गए मदारी की तरह, एक तारा हाथ में लेकर अपनी पवित्र वाणी से, अमृत वाणी से वहाँ वर्षा करने लगे अपने ज्ञान की। और ऐसी यही तरीके थे, सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे परमात्मा की उस अमृत वाणी को सुनकर गदगद हो जाते थे। परमात्मा के मुख से बोली हुई वाणी भी जितने भी वहाँ उपस्थित लोग सुना करते थे उनके बहुत से पापों का वो नाश हो जाता था, यानी वो अपने बच्चों को फिर से भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं ताकि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे। और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ ना हो, ऐसी भक्ति विधि प्रोड्यूस करवा दी, प्रवेश करवा दी संसार में, और परमात्मा से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, विकारों की तरफ चल पड़े, ये बुराई करने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, क्योंकि हम अपने फिर सूझबूझ से धनवान बनने की कुचेष्टा करने लगे। और जिसका परिणाम ये निकला हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी हो गए।